एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी 3-4 दिनों से मेरा व्लॉग नहीं आया। आप लोग मुझे मैसेज कर रहे थे क्या वॉश होना। सच बताओ, जितना आप लोगों को लगता है ना कि व्लॉग नहीं आया, वेट करते हो ना, उतना ही खाली खाली मुझे भी लगता है अगर मेरा जो व्लॉग है ना वो स्केड्यूल डेज पे ना आए। जैसे 3 वीडियोज एक वीक में मैं डालती हूँ, ये मेरी बहुत सालों की आदत है, तो वो जब ऊपर नीचे होता है ना तो सच बताओ मुझे भी खाली लगता है, क्योंकि काम जो है वो मेरे को लगता है कि समय पे हो जाना चाहिए। पर अभी लाइफ में ना इतनी सारी चीजें चल रही है ना, डिफरेंस इतना कुछ आ गया लाइफस्टाइल में, बहुत कुछ फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा जगल करने की ट्राई कर रहे हैं, कन्फ्यूजन बहुत सारा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। मैं आगे शेयर करूंगी क्या बात है, तो वो सब में भी रह गई। और एक और रीजन था व्लॉग नहीं करने का, वो ये था कि अभी आए हुए थे नीव के चाचू मुंबई से, मतलब अंगद के मामा का बेटा। 2 बेटे हैं, एक आया है यहाँ कई बार, आपको मैंने व्लॉग में भी दिखाया है, 2-3 बार यहाँ पे आ चुका है। और ये वाला जो है ये भी 1-2 बार आया हुआ है, पर शायद मैंने व्लॉग में पहले कभी दिखाया नहीं। तो वो मुंबई से आया था नीव से मिलने के लिए, तो उस बीच मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है व्लॉग नहीं करते जब तक वो यहाँ पे है। पर नीव का रिएक्शन कैसा था उसे मिल करके मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये जो मेरा देवर है ना, इसकी हाइट बहुत लंबी है, मतलब 6 feet+ हाइट है इसकी। तो मैं और अंगद जोक कर रहे थे उसके आने से पहले कि नीव इतने लंबे इंसान को उसने अभी तक देखा नहीं है, उसके सामने नीव कितना छोटू सा लगेगा। पर बड़े अच्छे से जेल हो गया, ये तो हो ही जाता है, थोड़ी देर के लिए ऐ करता है बाद में फिर जेल हो जाता है। मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री कृष्णा बोल दो नीव सबको। कैसे है आप लोग, क्या आप लोग मुझे मिस कर रहे थे? मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रहा था, बोल दो सबको। और ये इसकी कृष्णा चोटी बना दी है मैंने। सुबह ना 2 चोटी बनाने की ट्राई की ना, ये देखिए क्या फंस गया इसके बालों में। 2 चोटी बनाने की ट्राई की तो एह, 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 रो रहा था, तो अंगद ने कहा फटाफट में 1 ही चोटी कर दो, वरना ये 2 चोटी पे भी इतने क्यूट सा लगता ना, यहाँ पे एक यहाँ पे है ना, नीवो है ना। हाय एवरीवन, बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो। अच्छा, ये वाले ना ड्रेस का बहुत लोगों ने लिंक मुझसे मांगा था, मेरा देना रह गया था। ये वाला मैंने ऊपर का लिया और ये अलग से सेपरेट लिया है, बहुत ही अच्छा है फत्तू सा गर्मी पहनने के लिए। काफी बार मैंने वॉश किया, बहुत सुंदर सा मसलीन का है, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी। मैंने अमेजोन से लिया था, ये अलग लिया है 2 पैंट और ये सेट ऑफ 4 या 5 में लिया है। नीव के होने से पहले ही ना मैंने यहाँ पे एक ये वाला देखोगे आप तो एड कर दिया था बेड पे एक यूनिट, कि जो भी चीजें नीव की रखनी होगी ना, दवाइयां वगैरह क्रीम वगैरह, वो मैं यहाँ पे रखा करूंगी, तो रूम भी नीट एंड क्लीन लगेगा और मुझे एक्सेस करना भी इजी रहेगा, क्योंकि रात में इधर में सोऊंगी। पर बाद में रियलाइज हुआ कि उन चीजों की जरूरत दिन में ज्यादा पड़ती है, रात में नहीं। और दिन में यहां से ऐसे होकर के जाना, उन चीजों को लेना बहुत ही डिफिकल्ट था, क्योंकि यहां से तो एक्सेस देखोगे आप तो बंद हो गया हमारे बेड का इसकी वजह से। तो हमने क्या किया, हमने यहां पर एक छोटा सा टेबल एड कर दिया, मैंने अमेजोन से 400-500 का लिया, और इसमें आप देखोगे तो मैं सारी चीजें नीव की रखने लगी, दवाइयां हो गई, क्रीम वगैरह हो गई, जो कि मैंने देखा अभी ओवर द मंथ्स कि वो उतना काम में नहीं आता है, पर उसकी वजह से एक तो वहां मैस इकट्ठा हो रहा है, मेरा भी क्रीम है वहां पे, रिमोट है, सब कुछ वहां रख दिया, और अपना जो ये मिरर है ना ये भी एक्सेस होना डिफिकल्ट हो जाता है, उसको खोलने में बड़ी डिफिकल्टी आती है। तो अब मैं सोच रही हूँ सही टाइम आ गया नीबू कि उसको वहां से हटा दिया जाए और तुम्हारी चीजों को मैं कहीं पे रीलोकेट करूं और इस एरिया को मैं फ्री करूं। एंड बहुत जल्दी मुझे लगता है ना कि ये कॉट भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो नीव की हाइट है ना वो लगभग कॉट तक आ जा रही है, और ये आजकल क्या कर रहा है पता है, ऐसा तिरछा सो रहा है, मतलब वहां पे सर रखोगे आप देखोगे कि वो धीरे धीरे इधर आ जाता है, तो बहुत जल्दी ऐसा होगा कि वो बेड पे ही आ जाया करेगा, तो हमें इसको हटाना पड़ेगा। तो ये कॉट तो काम में बहुत टाइम के लिए आने वाला है नहीं। एक्चुअली पता है इससे ना बड़े बड़े कॉट्स भी आते हैं काफी लंबे, वो आपको मुझे लगता है बच्चा जब तक 1 साल का ना हो जाए ना तब तक उसमें फिट आएगा, पर हमारे रूम की चौड़ाई उतनी थी नहीं, तो कॉट का जो अगर आप लंबाई बढ़ाओगे तो चौड़ाई भी बढ़ जाएगी, तो हमारे रूम में जो फिट आ सके ना वो यही कॉट था। और इसको लेते वक्त ही हमें पता था कि ये मैक्सिमम हम लोग 6-7 महीने तक यूज कर पाएंगे, क्योंकि ये फिर छोटा हो जाएगा, पर कोई ऑप्शन था नहीं। और क्या होता है, बेबी जब छोटा होता है न्यू बॉर्न स्टेज में होता है ना, तब फिर काफी डर लगता है, मतलब पर्सनली हमें लगता था कि हमें तो सोने की आदत है बेधड़क होकर के, तो कहीं बच्चे के ऊपर हाथ न रख दिया, पैर न रख दिया, तो मैं और अंगद दोनों ही इस चीज से डरते थे। तो हमने सोच रखा था कि जब तक बेबी एकदम डेलिकेट बहुत छोटा है ना तब तक एटलीस्ट काम चल जाए, बाद में जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो फिर उतना डर नहीं रहेगा। उसके बाद क्या होता है ना, बच्चे भी हाथ पैर मारते हैं तो उनको भी रियलाइज होता है, मान लीजिए आपका हमेशा लगता था कि हमारा ही जो ब्लैंकेट है वो उसके अगर मुंह पे हमने रख दिया, तो अब ऐसा है कि नहीं उसको हटा सकता है, पहले तो ऐसा होता नहीं है। तो ये कॉट हमें बहुत ही आराम लगा, मुझे क्वेश्चन आता है कि आपके ये काम में आया,
बिल्कुल काम में आया। आज तक नींव वहीं सोता है। दिन के टाइम पे ना मैं कई बार क्या करती हूँ, बेड पे सुलाती हूँ, क्योंकि मुझे इजी पड़ता है उसको एक्सेस करना, उठाना, फीड कराना। पर रात में वहीं पे सो रहा है नींव, और वो डे वन से सो रहा है, जब से हॉस्पिटल से घर आया ना, वो कॉट पे ही सोता है, सुबह कॉट पे ही उठता है। पर बस वही है कि छोटा हो जा रहा है तो हटाना पड़ेगा। वैसे आप लोगों की होली कैसे रही बताइएगा। हम लोग होली में रंग वगैरह तो लगाते नहीं है, मतलब शादी के बाद फर्स्ट ईयर जो था ना उसमें हम लोगों ने अच्छे से कलर्स खेला था। मतलब सब लोग गए थे भैया के घर पे, फर्स्ट ईयर जो होली होती है थोड़ी सी इम्पोर्टेंट होती है तो उसमें मायके जाना रहता है, तो वहां पे गए थे, उसके बाद में वहां पे खेला था। बाद में उसके बाद से किसी भी होली में अंगद को ऑफिस में छुट्टी नहीं होती है, बैंगलोर में छुट्टी होती नहीं है, तो इसीलिए कुछ भी स्पेशल नहीं, थोड़ा बहुत शाम को अबीर लगा लिया। खाने में वही सब, हमारे में मटन बनता है होली में, मैंडेटरी है मटन बनना, तो मटन बनता है, फिर दही वड़ा बनता है, फिर गुजिया। तो मैंने दही वड़ा तो घर पे बनाया था, मटन बनाया था, गुजिया बाहर से आया था, और नींव को तो लेकर के और भी खेलने का कोई चांस था नहीं, तो हम लोग बाहर भी गए नहीं। पर नेक्स्ट ईयर से सोसाइटी में लेके जाएंगे, वहां पे सब लोग खेलते हैं तो नींव भी खेलेगा। अंगद बिस्किट खा रहा था, ऐसे नींबू देख, जब से ना इसने खाना स्टार्ट किया है तब से इसको लगता है कि सब कुछ मैं भी खा सकता हूँ। उसके मुंह में पानी आ जाता है पर करने लगता है वो बेचारा, पर अभी नहीं खा सकते। अभी शुगर तो पता है, बोलते हैं 2 साल अवॉइड करो तो बेस्ट। हाँ, वो जितना अवॉइड हो जाए उतना। और सॉल्ट तो 1 साल करना ही है, शुगर 1 साल करना ही है, पर 2 साल हो पाएगा नींबू? कैसे देखता है बेचारा, दया आ जाए। हो पाएगा कुछ ना कुछ खाओ तो मन करता है दे दे क्या इसको, थोड़ा सा खिला दे बोल के। पर 1 साल तो नहीं नींबू, 1 साल बिल्कुल नहीं। बात देखो मैं कैसा चॉकलेट। तो क्या बच्चे फर्स्ट बर्थडे में अपना केक खाते हैं? हाँ। मीठा मीठा। अरे कितने लोग तो 6 मंथ्स के बाद केक स्मैश भी तो करते हैं। 6 मंथ्स वाले में हाँ, नहीं करते। आई डोंट नो, 1 ईयर में तो करते हैं। हाँ, उसमें तो वो तो अंगद को वो कॉन्सेप्ट नहीं पसंद केक स्मैश का, कि ये अच्छा क्या तरीका है ना नहीं, वो केक स्मैश करना है, पूरा केक क्यों बिगाड़ना है भाई, सबको खिलाओ बिगाड़ना क्यों फोटो के लिए। ये वाला कुकर ना मैंने सिर्फ और सिर्फ नींव के लिए रख दिया है, छोटू सा कुकर है। अभी खाना खाने लगा है, सॉलिड्स खाने लगा है, तो मैंने इसके लिए ना कुछ कुछ चीजें मंगाई है जिसमें किसका खाना हम लोग रख सके या बाहर जा रहे हो तो काम में आए। तो एक तो हमने लिया था सिंगापुर से, ये मैंने आपको दिखाया था। तो बेसिकली ये जो है आप जहां भी रखोगे सरफेस पे वहां पे अच्छे से ये चिपक जाता है, तो बच्चे खुद से अगर हाथ से कुछ खा रहे हैं तो वो झटकेंगे भी टेबल से तो गिरेगा नहीं। पर ये मैं अभी नहीं यूज कर रही हूँ, एक दो दिन यूज किया फिर छोड़ रही हूँ, क्योंकि इसका भी पर्पस है नहीं, क्योंकि अभी नींव खुद के हाथ से तो कुछ नहीं खा रहा है। तो ये मैं अभी नहीं यूज कर रही हूँ, ये 2-3 महीने बाद काम में आएगा। तो मैंने फिर कुछ अलग से मंगवा लिया। एक तो मैंने ये डब्बा मंगवाया है, ये स्टील का है, मतलब बेसिकली मैंने सारे ना स्टील में मंगवा लिए, क्योंकि घर में यूज करना है तो स्टील ही बेटर है। और डिश वॉशर प्रूफ मंगाया है सारा, तो ऊपर जो ढक्कन है वो तो बड़ा क्यूट सा है पर अंदर जो है वो स्टील का है। तो इसमें आप खाना खिला दो बच्चे को, और अगर रखना भी है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि एक बार में अगर नहीं भी खा रहे तो ढक्कन में बंद कर दो। यहाँ पे ऐसा ये भी है। इसके अलावा मैंने 2 छोटे-छोटे ऐसे टिफिन बॉक्सेस मंगाए हैं, ये इसलिए मंगाए हैं कि घर पे भी काम में आ रहे हैं, और इनकेस अगर कुछ लेकर बाहर जाना होगा कल, थोड़ा बहुत कुछ अगर फ्रूट स्मैश किया कुछ भी किया तो भी ये काम में आ जाएगा। तो अगेन ये भी स्टील का है। नींव के जो चाचू आए थे ना वो नींव के लिए ये वाला टॉय लेकर आए थे, और उस दिन जो इसके मामा जी आए थे इसके अन्नप्राशन के दिन में वो भी एक टॉय लेकर आए थे, वो तो मैंने कार में रख दिया है। और ये वाला बड़ा ही अच्छा है, इसमें देखिए ऐसे मूव करेगा तो पीछे ये बॉल्स हिलेंगे, और नींबू को उतना नहीं उठ पा रहा है ये हाथ में, क्योंकि ऐसा राउंड सा है ना तो बेचारा उठा ही नहीं पाता है, पर उसको अच्छा लगता है। कौन लाया नींबू? ये कौन लाया? काकू लाए, काकू लाए। गुजराती में और मैथिली में दोनों में ही चाचा को हम लोग काका बोलते हैं, तो वो सेम वर्ड है, काकू लाए नींबू। चलिए नींव सो गया है तो अब जा करके मुझे टाइम मिला है। एक्चुअली सो तो पिछले वो 1.5 घंटे से गया है, पर प्रॉब्लम क्या है ना कि वो हिलता रहता है नींद में, स्पेशली दोपहर में। तो एक बंदे को मतलब बाजू में रहना ही रहना है, अगर आप उसको पैट नहीं करोगे जब वो हिल गया, नहीं सुला गया तो वो उठ जाता है। तो भले वो 1 बजे सो जाता है, जब उसकी मालिश वाली आंटी जाती है नहला करने उसको, इमीडिएट नींद आता है, आप 10-15 मिनट की मेहनत करो वो सो जाता है, लेकिन आपको फिर बाजू में ही रहना है। तो मेरी मोबिलिटी हो जाती है जीरो, मैंने कैसे दिखाई, मेरी मोबिलिटी हो जाती है जीरो। तो अगर मैं 1 बजे से 4 बजे तक वहां उसके बाजू में लेटी रहूं, सोऊं ना लेटी रहूं, सोऊंगी तो फिर उसकी आवाज नहीं आएगी ना, हिलने की तो उठ जाएगा। अगर मैं लेटी रहूं चुपचाप
तो उसको नींद अच्छी आती है, अगर मैं उठ के कुछ काम करूँ तो नहीं आती है। तो मैं क्या करती हूँ, फटाफट उसको सुलाती हूँ, 10 मिनट में खाना कंप्लीट करती हूँ, फिर जाके वहाँ पे लेटी रहती हूँ। तो जब मैं ये कर ही रही थी, वहीं पे बैठ के लेटी हुई थी और कुछ ना कुछ मोबाइल पे सुन रही हूँ ईयरफोन लगा के, तो मैंने डिसाइड किया कि हाई टाइम है मैं अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो देखिए पिछले लगभग 1.5 सालों से, अब 1.5 साल हो गए, माय गॉड 1.5 साल हो गए जब से मैंने अपना वास्तु का, अपना डिज़ाइन का काम को बंद कर रखा था। मैं हूँ फ्रीलांसर, मेरे कॉन्टैक्ट्स के थ्रू काम होते हैं, मेरा ऐसा कुछ प्रॉपर नौकरी नहीं है किसी एक फर्म के साथ में, या मेरी खुद की कंपनी नहीं है। मैं लोगों के साथ काम करती हूँ, कॉन्टैक्ट से मेरे, जहाँ से मुझे काम आता रहता है। तो मैंने स्टॉप कर रखा था और मैंने ये सोचा था कि जब नीव 6 मंथ्स का हो जाएगा, मतलब बेबी 6 मंथ्स का हो जाएगा, तब मैं रिज्यूम करूंगी। पर ऑफकोर्स मुझे एक्सपीरियंस तो था नहीं कि बेबी जब 6 मंथ्स का होता है तो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कुछ भी कर पाना एक मदर के लिए, या फिर मैं बोलूँ डिफॉल्ट पेरेंट के लिए जो कि मदर ही होती है। मुझे लगता था कि 6 मंथ तो चलो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रहेगा तो फिर मैं सपोर्ट दूंगी बेबी को, बाद में क्या है, थोड़ा बहुत खाना खाने लगेगा, थोड़ा बहुत उतना ज़्यादा फ्रेजाइल नहीं रहेगा तो अपना काम पकड़ लेंगे। और ये सोच करके मैंने काम पकड़ भी लिया और मैंने एक प्रोजेक्ट ले भी लिया। और जब मैंने प्रोजेक्ट लिया तो मुझे रियलाइज हुआ ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, क्योंकि नीव जो है वो कॉन्स्टेंट उसको चाहिए अटेंशन। तो दोपहर में भी जब वो सो रहा होता है, मैंने लैपटॉप लेकर अगर मैं बैठ गई ना काम करने के लिए, तो भी वो इतना हिलता है कि उसको सुलाने सुलाने में ही मेरा कुछ काम नहीं हो पाता। और जब काम नहीं हो पाता तो होती है फ्रस्ट्रेशन, जो कि मुझे हो रही है 2-3 दिनों से, कि काम तो ले लिया पर अब ये डेडलाइन है, पर इसको पूरा मैं कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा सो ही नहीं रहा है ठीक से। अंगद का भी क्या है, टाइम ही भी वैसा चल रहा है कि उसका काम जो है वो पीक पे चला गया। तो बेचारे ने मुझे जनवरी से बोल रखा था कि मैं अप्रैल मिड आते आते, अभी तो फिर भी थोड़ा कम है, अप्रैल मिड से लेकर के जुलाई एंड तक मेरा काम बहुत होने वाला है, तो मैं तो शायद उतना हेल्प नहीं कर पाऊंगा। और जब IT में काम बहुत होता है तो मतलब दिन रात कुछ नहीं होता उसमें, रात में US वालों के साथ काम करो, दिन में इंडिया वालों के साथ काम करो। तो उसी को मैं फिगर आउट कर रही हूँ कि कुछ नींव उठ गया, जब तक मैं बात ही कर रही हूँ आती हूँ। कुछ देर में नींव उठ ही जाएगा, सुला तो दिया है पर उठ जाएगा। तो मीनवाइल मैंने क्या किया, देखिए उसके लिए मैंने एप्पल पील किया, इसको बॉईल करके शाम को उसको नाश्ता दूंगी। तो अभी बज रहे हैं 3:30, तो बॉईल कर दूंगी, तो लगभग 4:30-5 तक उसका जो एक टाइम है फीड का, वो फीड को माइनस करके पहले मैं उसको एप्पल खिलाऊंगी और बाद में थोड़ा सा फीड भी दे दूंगी, ऐसे करके बैलेंस करेंगे। एनीवेज तो मैं वही बोल रही थी, तो अभी जो टाइम है वो यही सोचने का है कि करियर को इम्पोर्टेंस कैसे दे और साथ साथ में अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना है, नींव को भी टाइम देना है, तो दोनों कैसे करेंगे, दोनों के बीच कैसे जगल करेंगे, वही सब चल रहा है। आई एम श्योर ये सब बहुत सारे आप लोगों में के साथ ये हो चुका होगा या हो रहा है या होने वाला है। इनफैक्ट जो लोग बाहर जाके काम करते हैं अंडरस्टैंड उनके लिए कितना डिफिकल्ट होता है ये डिसीजन ले पाना कि बेबी को कम्प्लीटली 12-15 घंटे के लिए छोड़ना है। मेरे केस में तो मुझे पता है मेरे सामने ही रहेगा, बस मैं थोड़ा सा टाइम अपने काम को फोकस करना चाहती हूँ, उसमें ही मुझे ऐसा लग रहा है कि कैसे मैनेज होगा। तो बिल्कुल छोड़ के जाना तो सही बात है, पर अगर आप उनमें से हैं जो बेबी को छोड़ करके घर पे बाहर काम करने जाते हैं और आप इस गिल्ट में हैं कि क्या मैं सही कर रही हूँ कि मैं नहीं कर रही हूँ, तो मेरा जवाब होगा आपको, आप सही कर रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। मैं पर्सनली ऐसी 3 लेडीज को जानती हूँ जो अभी अपने लाइफ में बहुत सफर कर रही हैं पर वो कुछ भी कर नहीं सकती हैं क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, फैमिली तो है ही साथ में, पर खुद के लिए कुछ पल निकाल के खुद के लिए कुछ करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं तो कभी भी सेक्रीफाइस करने का सलाह नहीं दूंगी। बहुत सारी लेडीज होंगी जो आपको देंगी ये सलाह कि छोड़ दो सब कुछ, बस बस बच्चे पे ध्यान दो, माँ बनो, माँ बन गई हो तो माँ से बड़ा कुछ औदा नहीं होता है, माँ से बड़ा कुछ भी नहीं होता, उसको टाइम दो, तुम्हारा काम है उसको नर्चर करना। मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगी, इट्स नॉट प्रैक्टिकल, इट्स नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ, इट्स नॉट गुड फॉर योर फाइनेंशियल हेल्थ। तो अगर आप पैसे कमा सकती हैं तो कमाइए, उसमें से कुछ पैसों को अच्छे से इस्तेमाल करके अपने बच्चे के लिए कुछ आप अच्छा फ्यूचर देख सकती हैं, अपने लिए कुछ कर सकती हैं, बट कम्प्लीटली डेडिकेट कर देना इन टूडेज टाइम इन एरा आई विल नॉट रिकमेंड यू। तो मैं खुद भी वो नहीं करने वाली हूँ। अब कैसे मैनेज करेंगे, कैसे जगल करेंगे, देखते हैं, सोचेंगे। इतना कुछ तो लाइफ में जगल मैनेज कर लिया है तो आई एम श्योर ये भी कर लेंगे। पर हाँ, भी जो ऑनेस्टली मेरे दिमाग में चल रहा है और लाइफ में चल रहा है मैंने आपसे शेयर किया। आई नो बहुत सारी लेडीज ऐसा होंगी जो सोच रही होंगी इतने मेहनत से तो बच्चा हुआ है, इतना प्रॉब्लम झेला, अब जब बच्चा हो गया तो देखो कैसी औरत है, अब इसको पैसे कमाने हैं, काम करना है, ये क्या बात होगी, है ना। ऐसे कुछ तो होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, ऐसा सोच रहे होंगे उन औरतों के बारे में। अगर आपके आसपास ऐसी औरतें हैं ना, मत सोचिए, क्योंकि वो कभी नहीं समझेंगी, वो दूसरे औरत की मेंटल हेल्थ और उसके लिए कितना जरूरी इंडिपेंडेंट होना वो नहीं समझते। उन्होंने अपना भी करियर सेक्रीफाइस कर दिया, कहीं ना कहीं रिपेंट कर रहे हैं, पर बोल नहीं सकते हैं, तो दूसरी औरत को इस तरीके से वो लोग हैरेस करते हैं मेंटली कि तुम गलत कर रहे हो, अपने बारे में सोच के गलत कर रहे हो, सेल्फिश हो रहे हो, पैसे कमाने सोच के सेल्फिश हो रहे हो, बाहर जा रहे हो बेबी को छोड़ के 2 घंटे के लिए, सेल्फिश हो रहे हो।
आप बिल्कुल सेल्फिश नहीं हो रहे, आप जो भी लोगे फैसला अपने बच्चे के लिए बेस्ट लोगे, पर पहले आपका सही स्टेट ऑफ माइंड में होना बहुत जरूरी है, आपका खुश रहना बहुत जरूरी है। एंड क्वांटिटी ऑफ टाइम डजंट मैटर, क्वालिटी ऑफ टाइम जो अपने बेबी को दे रहे हैं दैट मैटर्स। कौन सा क्यूट गया देखिए, सबको बोला गुड इवनिंग, मैंने क्या बोला 5 मिनट भी और ये नहीं सोएगा, क्योंकि ना जब ये लगातार ऐसे 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 मुंडी करना स्टार्ट करता है ना, तो समझ जाइए कुछ भी कर लीजिए पैट वैट ये नहीं सोएगा। बस चलिए ठीक ठाक सोया मैं बोलूंगी, अभी बज रहे हैं 4:10 है तो नॉट बैड। तो मैंने बस एप्पल को चढ़ाई चाह रही थी, कुकर बंद ही कर रही थी कि आवाज आई और मैं आ गई। चलिए इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, और जो मैंने आज बात शेयर की है उस पर आप लोग के थॉट्स क्या है वो कमेंट सेक्शन में बताइए। जो लोग इस फेज से गुजर चुके हैं उन्होंने अपना करियर कैसे बैलेंस किया, और जो लोग सोच रहे हैं बैलेंस करने का उनको कुछ टिप्स अगर आप दे सको तो जरूर दीजिएगा, तो कम्युनिटी में हेल्प हो जाएगी, और जब मैं पढ़ूंगी तो मुझे भी हेल्प हो जाएगी। बाय बाय टाटा, मैं इसको टाटा करना सिखा रही हूँ, धीरे धीरे सीखेगा शायद। टाटा करके दिखा दो, टाटा टाटा।